दिस इज कंचन। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर हाउ टू मेक मोजरेला चीज एट होम। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, ये बिल्कुल मार्केट के जैसा है और आप इसे ब्रेड, पिज्जा या किसी तरह भी यूज कीजिए, टेस्ट बिल्कुल मोजरेला चीज का ही आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें चाहिए मिल्क और विनेगर। सबसे पहले हम 1 लीटर मिल्क को पैन में डाल लेंगे। इस तरह से पैन में हमने मिल्क को डाल लिया और दूध कच्चा होना चाहिए और फुल क्रीम होना चाहिए, तभी अच्छा चीज बन पाएगा। फिर इसे हम गर्म करेंगे और ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना ही गर्म करना है कि हमारी फिंगर उसको सह सके, ज्यादा बिल्कुल गर्म नहीं करना है। और जब वैसा गर्म हो जाए तो इसे गैस से नीचे उतार के इसमें सिरका डालेंगे और इसे हिलाते रहेंगे। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इसलिए इसमें धीरे धीरे सिरका डालेंगे और इसे हिलाते रहेंगे। इसे लगातार चलाते रहिए। इस तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसमें फिर धीरे धीरे हम विनेगर ऐड करेंगे। एक साथ सारे विनेगर को नहीं ऐड करना है, धीरे धीरे विनेगर ऐड करेंगे। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है पर चीज बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल मार्केट के जैसा इसका टेस्ट आता है। इस तरह से हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। ये देखिए, ये स्टार्ट हो गया है बनना। थोड़ा स्लो प्रोसेस है ये, पर चीज बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। ये देखिए, ये बनने लगा। इसमें बस ये ध्यान देना है कि जब भी हम दूध को गर्म करें तो उतना ही गर्म करना है कि मेरी फिंगर उसे सह सके, और दूध कच्चा होना चाहिए और फुल क्रीम वाला दूध होना चाहिए, तो हमारा मोजरेला चीज बहुत अच्छा बनकर रेडी होता है। इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा सिरका और ऐड करेंगे और फिर इसे चलाएंगे। तब तक चलाना है जब तक इसका पानी और चीज अलग ना हो जाए। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा चीज अलग हो गया और पानी अलग हो गया। अब हम इसे, ये देखिए, ये बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसे निकाल लेंगे थोड़ा सा हिलाकर, फिर इसे हम सारा निकाल लेंगे और इसे अच्छे से इसे निचोड़ना है। आप इसको कोई मसलन कपड़े में रखकर भी निचोड़ सकते हैं। तब तक इसे दबाकर इसे निचोड़ना है जब तक इसका पानी और जो अंदर का दूध है वो निकल ना जाए। इस तरह से खूब अच्छे से दबाकर, और अगर कपड़े में रखना चाहें तो आप मसलन क्लॉथ में रखकर इसे अच्छे से दबाकर इसका पानी निकाल लीजिए। ये देखिए, मैंने इसका पूरा पानी निकाल लिया। ये इस तरह से पानी अलग हो गया और ये मेरा चीज इस तरह से बना, ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। अब इसे हम फिर थोड़ा सा गर्म पानी में इसे डुबोकर फिर इसे स्क्वीज करेंगे। इसका जो भी अंदर पानी या दूध है वो निकल जाए। इसे 2-3 बार ये प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, इसके अच्छे से इसका सारा पानी निकल जाए। इस तरह से हम रिपीट इसको करेंगे। अब ये हमारा अच्छे से इसका सारा पानी अब निकल गया। 2-3 बार रिपीट करना है इसको। ये देखिए, इस तरह से दबा दबा कर खूब अच्छे से हम निकाल लेंगे। इस तरह से पूरा पानी इसका अंदर से निकाल लेना है। जब तक इसका सफेद दूध निकलता रहे तब तक इसका पानी पूरा अच्छे से निचोड़ लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसके बाद इसको ठंडे पानी में डुबोकर, अंत में इसको एक ठंडे पानी में डुबोना है और डुबोने के बाद फिर इसे एक बार अच्छे से स्क्वीज कर लेना है। ये देखिए, अब हमारा मोजरेला चीज बनकर रेडी है। इसे सेलोफिन पेपर में लपेट कर 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे।
अब ये चीज को मैंने 3 घंटे बाद फ्रिज से बाहर निकाला है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है और बिल्कुल मार्केट के जैसा है। इसे मैं अब आपको ब्रेड पर लगा करके भी दिखाऊंगी। ब्रेड पर मैंने पिज्जा सॉस लगाया, थोड़े से टॉपिंग्स डाले और इसके ऊपर चीज को ग्रेट कर देंगे। चीज को ग्रेट कर देंगे, आप इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, ओरिगैनो डाल सकते हैं और इसे तवा गर्म करके नॉनस्टिक तवे पर ढककर बिल्कुल लो फ्लेम तक चीज के मेल्ट होने तक पका लेंगे। ये बिल्कुल जैसे बाजार का मोजरेला चीज मेल्ट होता है वैसे ही ये भी मेल्ट हो जाता है। ये देखिए अब हमारा ये बनकर रेडी है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये मेल्ट हो गया है और बहुत ही स्ट्रेची हो गया है। ये देखिए इसे मैं आपको स्ट्रेच करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बाजार के मोजरेला चीज की तरह है। ये देखिए सो डू ट्राई इट और इसे आप घर पर बनाइए। ये बाहर के मोजरेला चीज से काफी अच्छा है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड कीप कुकिंग।